Amelia Earhart has been banned by PEMRA for 1 month, and this is absolutely a very right decision because मैंने जो है इनकी वो वीडियो देखी थी जहाँ पर इन्होंने दो अपने स्कॉलर्स को बुलाया था डिफरेंट सेक्स के, जो हैं वो डिफरेंट मज़हब मसलक के लोगों को बुलाते हैं ये जानबूझकर, ताकि आपस में जो है वो लड़ें और TRP रेट इनका बढ़े। तो ये किस किस्म की जो है वो इंसानियत है मुझे बताएं। TRP के लिए ये जो है डिफरेंट सेक्स के लोगों को बुलाते हैं और डिफरेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वहाँ पर मैंने बहुत दफ़ा देखा कि लड़ाई भी हुई बहुत से स्कॉलर्स की आपस में। तो इनका मैं आपको बताऊं कि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं शुरू से लेकर आखिर तक, तो इन्होंने जाकिर नायक को बोल दिया कि वो थोड़े से जो हैं उनकी उनकी एक एक वर्ड को पकड़ लिया और उसके बारे में जो है वो बहुत जो कि गलत बातें करी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये वाली वीडियो देखें, मैं आपको बताता हूँ कौन सी वीडियो देखें आप। आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, इन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बताया है और इन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मुफ्ती तारिक मसरूर नाम है मेरे ख्याल से इनका, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, कौन गलत था कौन गलत नहीं था। और मैं इनकी वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुई है और इनकी वीडियो की वजह से जो है बहुत से लोगों के माइंड्स जो हैं वो हर ओपन हुए हैं। तो इनकी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इनको सर्च करें और वीडियो देखें। बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ, जब से ये एक वाकया पेश आया है तो इनके ऊपर इतने आर्टिकल्स लिखे गए हैं, PEMRA ने बैन कर दिया इनको 1 महीने के लिए, और मैं तो कहता हूँ कि 10 साल के लिए बैन कर दें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। लेकिन इन्होंने जो हरकतें इनकी जो शुरू हुई हैं, इनकी बहुत अच्छी कॉमेडिक जर्नलिज्म था, मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका वे ऑफ टॉकिंग लगता था, हंसा देते थे ये सीरियस बंदे को भी। लेकिन अपनी अना के खातिर, अपने TRP के खातिर ये लोगों को जलील कर रहे हैं भरी महफिल के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। और जिस तरीके से गालियाँ दी गई हैं इन्होंने अपने पिछले इंटरव्यूज़ के अंदर, तो गलतियों पे गलतियाँ दोहरा रहे हैं ये। नेगेटिव पॉइंट्स इनके अंदर ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी को ज़्यादा कैच कर लेते हैं आमिर साहब। और अन्ना पे बात आ गई थी, उर्दू के रेंज ऑफ वर्ड्स भी इनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने अपनी, ये देखें आप कितने आर्टिकल्स लिखे गए इनके ऊपर, आप सर्च करेंगे तो बहुत से आर्टिकल आएंगे, वीडियोज़ वगैरह देखें, खुद ही जानकारी लें और बताएं इस वीडियो के नीचे कि किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। और ये बुलाते ही डिफरेंट लोगों को हैं, डिफरेंट मौलवीज को हैं, ताकि आपस में वो लड़ें और इंसल्ट करते हैं पब्लिक के अंदर। इंसल्ट करना पब्लिक के अंदर, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर पब्लिक के अंदर इंसल्ट करना, तमाम लोगों के सामने इंसल्ट करना एक बहुत ही बदतमीज़ी की बात होती है और इस तरीके से नहीं किया जाता, क्योंकि हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप बड़े भरे मजमे में बोल चैनल के ऊपर, जहाँ पर करोड़ों लोग उस लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे होते हैं, आप सबके सामने उनकी इंसल्ट करते हो कारी साहब की, तो आपस में लड़वाते हो, जाकिर नायक को बुरा बोलते हो, तो आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद आप इतनी नेगेटिविटी कर रहे हो, तो ये बिल्कुल नामुनासिब सी बात है। नंबर वन एंकर हैं, अच्छे कॉमेडिक जर्नलिज्म हैं, ये साहब जो हैं जो जिनके ऊपर ये उंगली कर रहे हैं यहाँ पर, इनको इन्होंने जो है वो बहुत ही बेइज्जत किया है लाइव शो के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर उसके बाद जो है इन्होंने इसका जवाब दिया और एक अच्छी वीडियो मुझे लगी, इन्होंने किसी को डिफेंड नहीं किया, जो हक की बात थी इन्होंने वो करी है, इन साहब ने जाकिर नायक के अगेंस्ट नहीं लेकिन जाकिर नायक को उन्होंने सेकंड किया है। तो आमिर लियाकत को सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बोलने से पहले थोड़ा सोचें, लोगों को जलील करने से पहले सोचें कि आपके साथ भी हो सकता है, और जितनी आप गलतियाँ करे जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा ना हो,